आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन मुंगेली, शालेय शिक्षक संघ व नवीन शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर अपनी दो सूत्री मांग केंद्रीय कर्मचारियों के समान लंबित महंगाई भत्ता, देय तिथि से एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप ग्रह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन का आयोजन कलेक्टर कार्यालय मुंगेली के सामने पंडाल लगाकर किया जा रहा था, जो कि 5 दिनों तक चला। जिला मुख्यालय मुंगेली में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन शिक्षकों के संगठन ने आंदोलन के आखिरी दिन भारी संख्या में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया सातवें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक जब महंगाई भत्ता 25% से ज्यादा होगा तब हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी होगी। नियम कहता है एक श्रेणी के शहरों कस्बों के लिए एचआरए में 3%, वाई श्रेणी के लिए 2%, जेड के लिए 1% की दर से वृद्धि की जानी चाहिए। जब कर्मचारी महंगाई भत्ता 25% हो जाएगा तो ये दर मूल वेतन का 9, 18, 27% हो जाएगी और महंगाई भत्ता 50% होने पर ये दर 10, 20, 30% हो जाएगी। देश के विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केंद्र के समान अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा दिया जा रहा है। अपनी मांगों के संदर्भ में समय समय पर अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष बात रखने के पश्चात भी मांगों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। लंबित महंगाई भत्ता गृह भाड़ा नहीं देने के कारण कर्मचारी को प्रति माह 4,000 से 14,000 तक आर्थिक हानि हो रही है। बहरहाल ये आंदोलन अब स्थगित हो गया, जिसकी गूंज एक बार फिर अगस्त में सुनाई देगी। वहीं इस आंदोलन में शामिल होकर बीजेपी नेत्री शीलू साहू ने कहा इनकी मांगे जायज हैं और भारतीय जनता पार्टी इनका समर्थन करती है। इस तरह से आज छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी संघों ने आज हड़ताल किया है, शिक्षक गण हैं जितने, उन सभी इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम समर्थन करते हैं। इनकी मांगे जायज है और जिस तरह से महंगाई भत्ता देने की काफ़ी समय से लंबित पड़ी हुई है, महंगाई भत्ता इनको मिलना चाहिए और सातवें वेतन मान के अनुसार इनको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलना चाहिए और बाकी जितने भी राज्यों में सभी राज्य सरकारों ने ये लागू किया हुआ है तो इस राज्य में भी इनको लागू होना चाहिए। और जिस तरह से सातवें वेतनमान आयोग के नियम के अनुसार महंगाई भत्ता अगर 25% से ज़्यादा होगी तो इनको हाउस रेंट अलायंस भी में भी फीसदी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो हम सभी इनके मांगों का समर्थन करते हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी हम इनके साथ है और सभी कर्मचारी गण शिक्षक गण के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम खड़ी हुई है और इनकी मांगे बिल्कुल जायज है, इनका समर्थन करते हैं। 5 दिनों से चला रहा आंदोलन आज तक हमारा जारी है, रैली की सेक्टर में कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन अफसोस की बात है अभी तक प्रदेश के मुखिया ने या किसी भी जनप्रतिनिधि हमसे कोई संपर्क नहीं किया है हमको हमारे लंबित मांगों को प्रदान करने के संबंध में। जिस तरीके से शुरुआत में बात हुई थी कि 5 दिनों तक 29 तारीख तक की बात थी, क्या यादें जो है आगामी जारी रहेगी कि फिर? चूंकि ये आंदोलन फेडरेशन के बैनर तले किया जा रहा है, फेडरेशन ने आज लगभग ये तय कर लिया है कि आंदोलन आज समाप्त होगा, लेकिन बहुत जल्दी आश्वासन मिला है कि अगस्त के पहले हफ्ते में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए हम लड़ेंगे। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।